भगवान विष्णु जी से नारद जी ने कहा कि धरती लोक में जो आपकी तपस्या करता है, आराधना करता है, वो तो दुख में रहता है, और जो आपका नाम नहीं लेता वो सुख में रहता है। भगवान ने कहा भ्रमण करके आते हैं, घूम कर आते हैं। दोनों साधु वेश में नीचे आए, एक व्यापारी के घर गए साधु वेश में भिक्षा मांगने के लिए, उसने भगा दिया वहां से। जब वहां से निकले तो भगवान ने पलट करके व्यापारी के घर की तरफ देख करके कहा कि तुम्हें और पैसा मिले, तुम और समृद्ध हो जाओ। वहां से पहुंचे एक झोपड़ी में, एक माता जी रहती थी, भगवान की पूजा करती थी। झोपड़ी के बाहर एक गाय बंधी हुई थी, जाकर के भिक्षा मांगी तो माता जी ने कहा भोजन तो नहीं करवा सकती हूँ, दूध का इंतजाम कर सकती हूँ, गाय क्योंकि मेरे पास है। दूध का इंतजाम किया, आराम से उनको आसन पे बैठाया। उसके बाद जब वहां से चले तो पलट करके भगवान ने झोपड़ी की तरफ देख करके कहा कि तुम्हारी गाय बहुत जल्दी चल बसे। नारद जी से रहा नहीं गया, आप ये उल्टी बातें क्यों कर रहे हो, जो गाली दे रहा उसको कह रहे हो और फलो फूलो, और माता जी जो आदर सत्कार कर रही है उनको कह रहे हो कि तुम्हारी गाय चली जाए। भगवान ने कहा तुम समझे नहीं, मैंने गाय चली जाए इसलिए कहा क्योंकि अंतिम समय में मैं चाहता हूं कि मेरी जो भक्त हैं, जो महिला हैं, बूढ़ी महिला हैं, ये मेरा ही स्मरण करें, गाय की चिंता ना करें कि उसका क्या होगा। और व्यापारी को कहा और पैसे कमाओ, इतने पैसे कमाओ कि अंत समय में पैसा सोचो और तिजोरी के नीचे सांप बन करके जन्म लो। भगवान की लीला वही जानते हैं, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, इसे याद रखिए और प्रसन्न रहिए।